वर्ष का ये भी ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया जाता है, तो मैं आज वो ब्रेस्ट फीडिंग पर बात करूंगी। कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज नेचुरल, मतलब सामान्यतः माँ को आता है, पर ये एक स्किल है जो माँ और बच्चा दोनों डिलीवरी के बाद ही सीख पाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे फायदे आपने सुने होंगे, उनमें कुछ है, बच्चे को प्रॉपर वेट गेन हो जाता है, इन्फेक्शन नहीं होता है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है, ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है, मदर्स के लिए भी बहुत एडवांटेजेस है, कंसिस्टेंट वेट लॉस होता है और कनेक्ट होता है मदर से, और साथ ही साथ जो यूट्रस होता है वो इन्वोल्यूट हो जाता है, मतलब अपने प्री डिलीवरी स्टेट में आता है। इसके अलावा मैं आज कुछ ऐसी बातें करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, जिनकी क्वेरीज बहुत ज़्यादा आती है। डिलीवरी के तुरंत बाद यूजली मदर्स हमसे पूछती हैं कि फीड तो आया नहीं, अब हम क्या फीड करें। तो जो ब्रेस्ट मिल्क है वो यूजली थर्ड डे या फोर्थ डे अच्छे से आना चालू होता है, तो पहले जो दो दिन है ये समय है कि आप और बेबी सीखे कि कैसे फीड कराना है। रूमिंग इन टाइम है जिसे आप बेबी को लैच कराना सीखें, जिस तरह प्रॉपर टेक्निक है ब्रेस्ट फीड कराने के लिए, आप जितना अच्छा सीखेंगे इस दौरान उतना ही अच्छा फीड आता है। थर्ड फोर्थ डे फीड बढ़ जाता है, तब कभी ब्रेस्ट हैवी हो जाते हैं और तब सीखना आपके और बच्चे के लिए दोनों ही कठिन हो जाता है। कुछ मदर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कोई ट्रीटमेंट दे दो उनके लिए, पर ट्रीटमेंट सिर्फ इनिशिएशन के लिए है, जैसे कुछ इंजेक्शन दवाइयाँ हैं जिसे हम देते हैं तो फीड चालू हो जाता है, पर जो मेंटेनेंस है, जो चलते रहने वाला प्रोसेस है, वो तभी होगा जब आप लगातार कई बार दिन में फीड कराएं। पंप्स जो है मैनुअल या इलेक्ट्रिक पंप्स जो है उनका इतना ही रोल है कि जो स्टोर्ड ब्लड रहता है, मिल्क रहता है ब्रेस्ट में, उसको ये रिलीज कराता है। तो जैसे कोई वर्किंग मदर्स हैं वो एक्सप्रेस करके रख सकती हैं, अगर कोई बेबी सिक हो गया है और फीड नहीं करा पा रहा है तब हम कहते हैं कि आप एक्सप्रेस कर लें और बाद में फीड कराने की जरूरत पड़े तो वो कर दें। अब एक प्रश्न ये भी रहता है मदर्स को, स्पेशली फर्स्ट टाइम मदर्स का ज्यादा रहता है, क्योंकि ये चैलेंजिंग होता है कि मैं कैसे फीड कराना चालू करूँ, मुझे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे अपने लिए समय नहीं मिलता। तो उसमें बस ये बोलना चाहूंगी कि जो काम आपके अलावा कोई और कर सकता है, आपकी मदद कर सकता है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, हस्बैंड हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, वो आप उनको करने दें। ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा हाँ, बाकी सब चीजें, बच्चे की देखभाल उनको करने दें, फीड आप कराएं, जिससे आपको सोने का समय मिलेगा, रेस्ट करने का समय मिलेगा, अपने लिए कुछ समय मिलेगा, पानी अच्छे से पिएं, खान पान का ध्यान रखें। इस तरह जब आप फीड कराएंगे तो आप रेस्टेड रहेंगे, आप आराम ले चुके होंगे और आप एक हैप्पी मूड में फीड कराएंगे, इससे आपका फीड भी अच्छा आएगा एंड यू विल एंजॉय ब्रेस्ट फीडिंग। थैंक यू।